दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर आप रिपेयर और डीलर हो तो अपना नंबर जरूर व्हाट्सअप करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हर तरह की आरओ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एक यूट्यूबर दोस्त ने हमसे पूछा है कि हम आरओ पंप क्यों यूज़ करते हैं आरओ फिल्टर में। तो दोस्तों, उनका क्वेश्चन बहुत वाजिब लगा, अच्छा लगा। तो उसके लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आरओ पंप की? अगर हम पानी जिसको हमने प्योर करना है, सबसे पहले हम प्री फिल्टर को देते हैं, उसकी आउटपुट जो है जिस वो देते हैं हम सेडिमेंट इनलाइन को, जहाँ डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, सैंड रिमूव होती है, सिल्ट रिमूव होती है, और फिर केमिकल रिमूव करने के लिए कार्बन फिल्टर को पानी की सप्लाई जाती है और इसकी आउटपुट जाती है पंप को। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि पंप का क्या रोल है? तो दोस्तों, आरओ सिस्टम का मतलब ही प्रेशर से जुड़ा हुआ है। आरओ का मतलब है रिवर्स ओसोमोसिस। ओसोमोसिस का मतलब होता है प्रेशर, रिवर्स का मतलब बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर से ही पानी जो है, जो हमने यहाँ से पानी हाई प्रेशर पे मेम्ब्रेन को दिया, तो हाई प्रेशर हुआ कैसे? यहाँ जो इनपुट पे प्रेशर होता है पानी का, जो हम प्योर कर रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 15 से या 12 पाउंड स्क्वायर इंच से 15 पाउंड स्क्वायर इंच तक होता है। और आरओ पंप का यहाँ काम है कि इसको बूस्ट अप कर 70 पाउंड स्क्वायर इंच से लेकर 90 पाउंड स्क्वायर इंच तक जो है प्रेशर क्रिएट करना आरओ मेम्ब्रेन के अंदर। अब जब हाई प्रेशर के साथ अंदर जाता है पानी, तो वहाँ वेस्ट वाटर के साथ एक फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगा होता है, जो रीडिंग जो लिखा हुआ है फ्लो 450, ये अलग अलग रीडिंग का होता है, 450, 300, 400, 500, 550, 600। तो अलग अलग मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग आरओ पंप यूज़ होते हैं और अलग अलग एफआर यूज़ होता है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो जब एफआर यहाँ लगाते हैं इसकी आउटपुट पे पानी की, तो यहाँ से बैक प्रेशर क्रिएट होता है, जो बैक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो अंदर मेम्ब्रेन है उसमें से जो प्योर पानी है वो दूसरी तरफ निकलता है। वो प्योर पानी तभी निकलेगा अगर आरओ पंप पानी को बूस्ट अप करेगा, मतलब 12 पाउंड स्क्वायर इंच को पानी को 70 पाउंड स्क्वायर इंच के प्रेशर के पानी का जो फ्लो है वो मेम्ब्रेन को जाएगा। तो दोस्तों, अगर पंप नहीं लगाएंगे तो इसका प्रेशर जो है वो नहीं बूस्ट अप होगा और पानी एज इट इज़ मेम्ब्रेन में जाएगा, तो बैक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा जितना चाहिए, 70 पाउंड स्क्वायर इंच, 65 पाउंड स्क्वायर इंच मिनिमम प्रेशर आरओ के लिए मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, जो 75 जीपीडी की है। तो इसलिए हम आरओ पंप लगाते हैं ताकि जितना मेम्ब्रेन को पानी हाई प्रेशर पे चाहिए वो इसको मिल सके। विदाउट आरओ पंप प्योरीफिकेशन आरओ के अंदर नहीं होगी, तो इसलिए हम आरओ प्रेशर लगाते हैं। इसको बूस्टर पंप भी कहते हैं क्योंकि ये पानी के प्रेशर को बूस्ट अप करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा।